कोरोना के 308 प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर जाने वाले 57 लोग हैं। अब हमारे एक्टिव केस 1029 संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर 0.53 है, रिकवरी दर हमारी 98.6% है। कल संपूर्ण प्रदेश में 57,843 सैंपल लिए गए हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे कोरोना अपने पर फैला रहा है। अब ग्वालियर में भी कल 22, शिवपुरी में 6 और दतिया में 5 आए। पूरे प्रदेश में इसकी व्यापकता हो रही है। इंदौर में तो डेल्टा के और ओमिक्रॉन के 50-50 मतलब 50-50% आ रहे हैं, जो कल 47 के लगभग आए होंगे उसमें से आधे आधे निकल रहे हैं। ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा है, और इसलिए घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, पर सावधानियों की ज्यादा आवश्यकता है। सरकार ने दवा की, बिस्तर की, आईसीयू की, वेंटिलेटर की, पलंग की, दवाइयों की संपूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी सख्ती की आवश्यकता है, चिंता की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। हम आज पुलिस को कहने वाले हैं प्रदेश के अंदर कि मास्क जो लोग न लगाए हों उनको एहतियात बरतने का तत्काल वो कहें, जुर्माना जो कोरोना गाइडलाइन का पालन न करे उनसे जुर्माना वसूली करने का, और जितनी कोरोना की सावधानियां हैं वो सारी की सारी सावधानियों का फॉलो पुलिस कराए।